गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका स्वप्निल्स टाइमलाइन में। तो आज का ब्लॉग थोड़ा लंबा होने वाला है, तो आराम से देखें। हम लोग एक गेमिंग सीपीयू लेने के सोच रहे थे, तो हम उसको लिए हैं। तो चलिए उसको अनबॉक्सिंग करते हैं और आपको बताते हैं उसमें क्या क्या है, नहीं है, सारा चीज़ आपको बाई डिटेल बताएंगे, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है हमारा गेमिंग सीपीयू का डब्बा, तो इसको हम लोग खोलते हैं। ये असेंबल किया हुआ है, इसका एक वीडियो शॉर्ट वीडियो मैं बाद में आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा बना के, कि इसमें क्या क्या, किसका मदरबोर्ड, किसका ग्राफिक कार्ड, किसका रैम लगा हुआ है। फिलहाल तो इसको ये पूरा असेंबल और कंप्लीट है, तो हम इसको दिखाते हैं क्या है नहीं है इसमें। ये हमारा ब्रांड न्यू गेमिंग सीपीयू। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है हमारा गेमिंग सीपीयू, खूबसूरती को देख सकते हैं कितना सुंदर है। इंटेल i5 9th जनरेशन है। इसको इधर से भी आपको दिखाता हूँ। ये है हमारा ओपन केस, इसमें 2 RGB लाइट लगा हुआ है, एक सामने फैन में। जब थोड़ी देर बाद जब मैं इसको स्टार्ट करूँगा तो आप देखना इसका क्या खूबसूरत दिखता है ये। तो चलिए अब हम लोग LCD है, इसको अनबॉक्स करते हैं। ये भी हम लोग स्पेशली गेमिंग के लिए लिए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये 24 इंच का फुल HD है। ये नाइट्रो वीगो सीरीज है, नाइट्रो वीगो सीरीज। अगर आपको भी गेमिंग का शौक है, जिसका रिफ्रेश रेट 144Hz है, तो आप इसको ले सकते हैं। ये गेमिंग गेमर लोग के लिए बहुत ही अच्छा है। ये HDR रेडी है, इसमें 144 रिफ्रेश रेट है एजेट का। AMD रेडोन फ्री सिंक्रोनाइज है, ये बेस्ट है गेमर लोग के लिए। और IP इन इन पैनल स्विचिंग है। तो चलिए इसको खोलते हैं। ये हम लोग बहुत दिन से सोच रहे थे लेने के लिए, लेकिन मौका नहीं मिल रहा था। इसको आराम से निकालिएगा, क्योंकि एकदम फ्लैट पैनल होता है। दोनों साइड से एकदम हल्के हाथों से पकड़ना है, उसके बाद ही निकालना है। इसके अंदर जो भी तार वायर है, इसको आराम से आप अलग कर लें और उसके बाद आराम से निकालें। ये पूरा देख सकते हैं, बहुत अच्छी तरीके से इसको दिया गया है फोम के साथ। ये स्क्रैच ना है। ये बैक पैनल के लिए है। ये बैक पैनल के स्टैंड और ये कवर है जिसमें LCD लगेगा, तो हम इसको बाद में बताएंगे। अभी आपको इसका लुक दिखाते हैं। ये हो गया हमारा अनबॉक्सिंग फाइनली। ये है हमारा गेमिंग मॉनिटर, स्पेशल गेमर लोग के लिए। तो चलिए इसको लगाते हैं। ये बैक पैनल है, ये पीछे लगेगा और ये स्टैंड है। तो हम इसको इसमें फिक्स कर लेते हैं। सेंटर में एक नट दिया हुआ है, तो ध्यान रखिएगा इसको इस तरह डालना है, छोटा सा नट है। इसको हाथ से कस लें, स्क्रू ड्राइवर उससे कस लें। तो चलिए हो गया। अब इसको हम लोग इसमें फिक्स करते हैं। आइए थोड़ा नज़दीक से देख लीजिए। ये पैनल देख रहे हैं, इसमें जोर से ना लगाएं, आराम से डालें और आराम से इसको बस सिंपली इंसर्ट कर देना है। तो जैसे कि देख रहे हैं ये लग गया है, इसको सिंपल सा प्रेस करना है, ये लग जाएगा। तो चलिए अब इसके बाद हम लोग इसके
जो HDMI केबल है इसमें दो पोर्ट दिया है HDMI का, तो आप दोनों में से कोई भी यूज़ करते हैं। तो चलिए हम इसका HDMI केबल जो है इसको लगा लेते हैं। मैं फर्स्ट वन प्रीफर कर रहा हूँ, आप किसी में लगा सकते हैं। देख सकते हैं दो पोर्ट है HDMI का, एक DP का पोर्ट है, और इस साइड है पावर केबल। तो हम पावर केबल को भी लगा लेते हैं। पावर केबल को थोड़ा अच्छे से डालें, कभी कभी ऐसा होता है कि करंट नहीं आता है, तो आपको पावर के लिए इसको अच्छे से प्रेस कर लीजिए। तो चलिए अब इसको हम लोग CPU से और पावर से कनेक्ट करते हैं। तो जैसा कि देख रहे हैं, जितना भी वायर था ये माउस का, कीबोर्ड का, शॉर्ट स्पीकर का, गेमिंग का, सीपीयू का, सारा वो कनेक्ट कर चुके हैं। तो अब इसको ऑन करते हैं और आपको दिखाते हैं सबसे खास बात, इसका जो RGB कलर है, ये टेम्पर्ड ग्लास है। अभी हम आपको घुमा के दिखाएंगे किस कलर का दिखता है। तो चलिए हम लोग इसको ऑन करते हैं, और ये पहली बार ऑन होने जा रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये RGB कलर है, बहुत ही ज़बरदस्त दिख रहा है। बहुत सोच समझ के हमने इसको असेंबल करवाया है स्पेशल गेम खेलने के लिए। और ये है हमारा गेमिंग मॉनिटर, ये भी गेम खेलने के लिए। तो ऑन होने दीजिए, फिर हम लोग आगे देखते हैं। जैसा कि देख रहे हैं हमारा ये ऑन 24 इंच का मॉनिटर है और ये ऑन हो गया है। और हम आपको आइए घुमा के दिखाते हैं इसका अंदर से पूरा, इसका ग्राफिक का, और जो हमारा RGB है, ये हमारा यहाँ पे SMPS रखा हुआ है, ये भी RGB कलर है। ये हमारा ग्राफिक कार्ड है गीगाबाइट का, ये हमारा रैम है, ये भी RGB है, और इंटेल का i5 9th जनरेशन हमने प्रोसेसर लगाया है। तो हमारे साथ बने रहिए। इसके साथ ही हम गेम पैड है जो हम गेम खेलने के लिए यूज़ करेंगे वो लिए हैं। ये वी प्रो का V600S सीरीज़ है, और ये गेमिंग के लिए बहुत ही अच्छा है। अगर आपको गेम खेलने का शौकीन है तो कीबोर्ड और माउस छोड़े इसको यूज़ करें। तो इसको भी हम लोग अनबॉक्स करेंगे, चलिए अनबॉक्स करते हैं। इसका प्राइस जो है हम लोग डिटेल में दे देंगे, आप जाके वहाँ देख सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं अच्छे क्वालिटी से पैक किया हुआ है। तो चलिए इसको हम लोग खोलते हैं। इसका बिल्ड क्वालिटी बहुत ही अच्छा है, देख रहे हैं आप कितना सेफ्टी से इसको दिया है। और ये रहा हमारा गेमिंग पैड, इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। ये माउस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आपको माउस ऑन ऑफ करने का मन है डायरेक्टली ऑफ करके यूज़ कर सकते हैं। और बहुत ही स्मूथ है चलता है ये वायरलेस है, इसको चार्ज करने के लिए भी आपको अलग से चार्जर लेने की जरूरत नहीं है, साथ में केबल मिलता है। आप आराम से इस केबल को, जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पे बना हुआ है, आराम से इस केबल को यहाँ डालें, इसको निकाल के जब भी आपको लगे कि आपके पास फ्री टाइम है तो आप किसी भी USB में इसको प्लग एंड प्ले कर सकते हैं, ये ऑटोमेटिक चार्जिंग ले लेगा। जैसे मेरा यहाँ दिया हुआ, मैंने यहाँ उठा दिया, ये चार्जिंग ऑन हो गया, ये लाइट ब्लिंक कर रहा है, तो इसका मतलब ये चार्ज हो रहा है। बात रही कि ये कनेक्ट कैसे होगा, इसके साथ में एक USB Wi-Fi दिया जाता है। जैसा कि देख रहे हैं इसके साथ हम लोग को एक वाईफाई डोंगल मिलता है, ये भी गेमिंग है वी प्रो, इसी के साथ ही मिलता है। इसको हम लोग USB में डालेंगे, USB पोर्ट में। जैसे डालेंगे हम लोग, उसके बाद आप एक नोटिफिकेशन देखेंगे, यहाँ पे हमारा शो कुछ देर में शो करेगा कि यहाँ पे वाईफाई डोंगल इनपुट किया गया है, इसको कॉन्फ़िगर कर लें। मिडिल बटन है, इसको आप जैसे ही दबाएंगे, प्रेस करेंगे, देखिए यहाँ बहुत सारा ऑप्शन आएगा, आपको स्क्रीन ऑन करना है, वॉल्यूम घटाना बढ़ाना है, क्या है नहीं है, बहुत सारा ऑप्शन है, तो इसको आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा
स्टार्ट हो गया है, तो चलिए अब हम लोग गेम इंस्टॉल करते हैं, उसके बाद देखते हैं कैसा काम करता है। अगर आप हेडफोन के शौकीन हैं तो आप देख सकते हैं कॉस्मिक बाइट, इसकी साउंड क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, आप इसको ख़रीद सकते हैं। ये अंडर 1400 मिल जाता है और ये आपके कानों को पूरी तरह से कवर करेगा, आपके कान पे जोर भी नहीं पड़ेगा, आप घंटों इसको लगा के गेम खेल सकते हैं। साथ में माइक दिया हुआ है, इसकी भी क्वालिटी बहुत अच्छी है। ये एक ऑडियो जैक है और एक यूएसबी जैक है, ये साउंड और माइक के लिए है और ये जो इसमें लाइट लगा हुआ है उसके लिए है, तो आपको दोनों को प्लग करना है। आप सीपीयू में कहीं भी डाल सकते हैं जहाँ पे इसका पोर्ट हो और यूएसबी पोर्ट हो। तो चलिए हम इसको डाल के देखते हैं। तो चलिए ये पूरा सिस्टम ऑन हो गया है, तो हम लोग इसमें एक वीडियो को प्ले करके देखते हैं इसका क्वालिटी कैसा है। तो जैसा कि देख रहे हैं हमने सारा को असेंबल करके ऑन कर दिया है, ये ऑन हो गया है। तो आप सबको हम इसका एक अप्रॉक्स रेट बता देते हैं कि मुझे किस पार्ट्स का कितना पड़ा है। तो सबसे पहले ये कॉस्मिक बाइट का हेडफोन, ये अप्रॉक्स 1300 आई है मुझे। ये वी प्रो का गेमिंग पैड, ये अप्रॉक्स 3200। हमारा SR का गेमिंग मॉनिटर है जो कि लगभग पड़ा है 15000 के आसपास कुछ। ये हमारा गेमिंग CPU, ये अप्रॉक्स 62000 रुपये का आया है। इसका एक सेपरेट वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा जिसमें किस पार्ट को कैसे असेंबल किया गया है वो मैं दिखाऊंगा। तो चलिए आप सभी का धन्यवाद। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज़रूर से सब्सक्राइब करें स्वप्निल्स टाइमलाइन।